मोहब्बत करने वाले कम न होंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम के साथ मैं महविश हयात और मियां यूसुफ सलाहुद्दीन आपके सामने हाजिर हैं। आज जिस हस्ती को हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं वो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं। जब उन्होंने फिल्मों की प्लेबैक सिंगिंग की तो कमाल, जब गज़ल गाई तो बेमिसाल। उनके काम को ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में सराहा गया। उन्हें प्लेबैक सिंगिंग के लिए एक नहीं, दो नहीं बल्कि 10 निगार अवार्ड्स हासिल किए उन्होंने। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उनके काम को रेकग्नाइज करते हुए उन्हें तमगा इम्तियाज, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, हिलाल इम्तियाज और निशान इम्तियाज से नवाजा। साथ साथ हिंदुस्तान ने उन्हें KL सहगल अवार्ड और नेपाल ने गोरखा दक्षिणा बाहु अवार्ड से नवाजा। मैं बात कर रही हूँ फख्र पाकिस्तान, शहनशाह गजल मेहदी हसन साहब की। तो आज हम उनको ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं। मियां साहब, हाउ आर यू फीलिंग? महविश, थैंक यू आप तशरीफ लाई। सो आज जो प्रोग्राम है, जो एक ट्रिब्यूट है मेहदी हसन खान साहब को, वो हमारे एक बहुत ही अच्छे और एक मंझे हुए फनकार, कराची से इनका ताल्लुक है, और मोहम्मद अली साहब, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत सिलेक्शन फिल्मी गानों का है जो हम पेश कर रहे हैं, गीतों और गजलों का। और इसकी जो म्यूजिक अरेंजमेंट है वो कामरान अख्तर साहब की है। तो मोहम्मद अली साहब जो आज हमारे लिए गजल पेश कर रहे हैं अपनी खूबसूरत आवाज में, वो है बात करनी मुझे मुश्किल। ये 1968 की एक बहुत ही मशहूर फिल्म है पाकिस्तानी, शरीक हयात, और बहादुर शाह जफर की ये बेहतरीन पोएट्री, और इसको कंपोज किया था ए हमीद साहब ने। तो आज दोबारा इसको जो है वो रीलिव कर रहे हैं अपनी खूबसूरत आवाज़ में मोहम्मद अली साहब अपने बेहतरीन म्यूजिशंस के साथ। तो चलिए सुनते हैं फिर। बात करने मुझे मुश्किल, कभी ऐसे तो न थे। बात करने मुझे मुश्किल, कभी ऐसे तो न थे। जैसी अब है तेरी महफिल, कभी ऐसे तो न थे। बात करने सब्र करा, सब्र करा, सब्र करा, सब्र करा। ले गया चीन के कौन आज तेरा, सब्र करा, बेकरारी तुझे है दिल, कभी ऐसे तो न थे। बात करने मुझे मुश्किल,
कभी ऐसे तो न थे, बात करने आँखों ने खुदा जाने किया क्या जादू, उनकी आँखों ने खुदा जाने किया क्या जादू, तबीयत मेरी मायल कभी ऐसे तो न थे जैसी अब है, तेरी महफिल कभी ऐसे तो न थे, बात करने चश्म कातिल मेरी दुश्मन थी हमेशा, लेकिन चश्मे कातिल मेरी दुश्मन थी हमेशा, लेकिन जैसी अब हो गई कातिल कभी ऐसे तो न थे, बात करने मुझे मुश्किल कभी ऐसे तो न थे जैसी अब है, तेरी महफिल कभी ऐसे तो न थे, बात करने वाह 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 वाह। मोहम्मद अली, आप तशरीफ लाए आज हमारे इस प्रोग्राम में, कैसा लग रहा है आपको? शुक्रिया अब्दुल मियाँ साहब, आपने मुझे कुछ बोलने का मौका दिया, ये मेरे लिए बहुत एज़ाज़ है जो आज मैं कर रहा हूँ। और मैं समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में सबसे बड़ा दिन है आज कि मैं खासा मैनी साहब को ट्रिब्यूट पेश कर रहा हूँ, तो ऑनर है मेरे लिए। और ऐसी मौसीकी जो वाकई लोग सुनना चाहते हैं, हमेशा आपने लोगों को सुनाई और अगली गजलें भी आपको बहुत अच्छी लगेंगी। पत्ता पत्ता बूटा बूटा मीर तकी मीर की शायरी है और नियाज हुसैन शामी की जो है ये कॉम्पोजिशन है जो कि अब हमें मोहम्मद अली सुनाने जा रहे हैं। पत्ता पत्ता बूटा बूटा, पत्ता पत्ता बूटा बूटा, हार हमारा जाने है हाल हमारा,
जाने हैं, जाने ना जाने, गुल ही ना जाने, जाने ना जाने, गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने है, हाल हमारा जाने है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा, हाल हमारा जाने है। चारा गरीबी मारे दिल के, रस में शहर हुस्न ने, रस में शहर हुस्न ने, वरना दिल बर नादा भीस, वरना दिल बर नादा भीस, दर्द का चारा जाने है, दर्द का चारा जाने है, जाने ना जाने, गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने है, हाल हमारा जाने है। मेहरो वफा लुत्फ ओ इनायत, एक से वाकिफ इल्म नहीं, एक से वाकिफ इल्म नहीं, और तो सब कुछ तंज़ किनाया, और तो सब कुछ तंज़ो किनाया, रमज़ो इशारा जाने है, हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने, गुल ही ना जाने, जाने ना जाने, गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने है, हाल हमारा जाने है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा, हाल हमारा जाने। बहुत ही खूबसूरत। तो अब अगला गाना, इट्स वन ऑफ माय फेवरेट्स, रफ्ता रफ्ता वो मेरी। 1975 में ये जीनत फिल्म की जीनत बना, और तस्लीम फाजली की शायरी और नाशाद जो हैं वो इसके म्यूजिक कंपोजर। तो अगला जो गाना आपके सामने पेश करते हैं वो है रफ्ता रफ्ता वो मेरी। माय फेवरेट, वन ऑफ माय फेवरेट्स आल्सो। रफ्ता
रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। पहले जा फिर जाने जा फिर जाने जाना हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का समा हो गए। दिन बा दिन बढ़ती गई इस हुस्न की रानाइयाँ, दिन बा दिन बढ़ती गई इस हुस्न की रानाइयाँ। पहले गुल फिर गुल बदन फिर गुल बदामा हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। आप तो नजदीक से नजदीक तर आते गए, आप तो नजदीक से नजदीक तर आते गए। पहले दिल रुबा फिर दिल के मेहमा हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का समा हो गए। प्यार जब हद से बढ़ा सारे तकल्लुफ मिट गए, प्यार जब हद से बढ़ा सारे तकल्लुफ मिट गए। आपसे फिर तुम हुए फिर तू का उनवा हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। पहले फिर जाने जाना हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए, हस्ती का सामा हो गए, हस्ती का सामा हो गए। बहुत खूब। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हमारा अगली जो गजल है वो हफीज होशियारपुरी की शायरी, पंडित गुलाम कादिर की कॉम्पोजिशन, मोहब्बत करने वाले कम ना होंगे।
करने वाले कम न होंगे, मोहब्बत करने वाले कम न होंगे, तेरी महफिल में लेकर तेरी महफिल में लेकर हम ना होंगे, मोहब्बत करने वाले कम न होंगे। हर के गम या एक तेरा हूँ, एक तेरा हूँ, एक तेरा हर के गम या एक तेरा गम, ये गम होगा तो कितने गम न होंगे, ये गम होगा तो कितने गम न होंगे, तेरी महफिल में लेकिन हम ना होंगे, मोहब्बत करने वाले कौन ना होंगे। अगर तू इत्तेफाक मिल भी जाए, अगर तू इत्तेफाक मिल भी जाए, तेरी फुरकत के सदमे कौन न होंगे, तेरी फुरकत के सदमे कौन न होंगे, तेरी महफिल में लेकिन तेरी महफिल में लेकिन हम ना होंगे, मोहब्बत करने वाले कौन ना होंगे। दिलों की उलझने बढ़ती रहेगी, दिलों की उलझने बढ़ती रहेगी, अगर कुछ मशवरे बाहम न होंगे, अगर कुछ मशवरे
बाहम ना होंगे तेरी महफिल में लेकर तेरी महफिल में लेकर हम ना होंगे मोहब्बत करने वाले कौन ना होंगे तेरी महफिल में लेकर हम ना होंगे मोहब्बत करने वाले कौन ना होंगे। वाह वाह, जैसे कि मियां साहब क्या खूबसूरत कलाम। आपने शुरू में कहा था कि ये शेर सुन के मुझे लगा कि मैं आपसे कहूँ मोहब्बत करने वाले कम ना होंगे तेरी महफिल में लेकिन हम होंगे। जब भी महफिल सजेगी आप हमें यहाँ पाएंगे। बहुत ही खूबसूरत गज़ल, और इसी के साथ अगली गज़ल की तरफ बढ़ते हैं जो कि हकीम नासिर साहब की शायरी, नियाज अहमद साहब की कॉम्पोजिशन, जिंदगी को ना बना लें। सजा मेरे बार जिंदगी को न बना ले वो सजा मेरे बार हौसला दे उन्हें मेरे खुदा मेरे बाप जिंदगी को न बना ले वो सजा मेरे को उठाएगा सितम पर कह कर कौन घूंघट को उठाएगा सितम पर कह कर और किससे करेंगे वो हया मेरे बाद हौसला देना उन्हें हौसला देना उन्हें मेरे खुदा मेरे बाद को ना बना ले वो सजा मेरे बाद फिर
जमाने में मोहब्बत की न पुरसिश होगे, फिर जमाने में मोहब्बत की न पुरसिश होगे, रोएगे सिसकियां ले ले के वफा मेरे बाद, हौसला देना उन्हें मेरे खुदा मेरे बाद, जिंदगी को ना बना ले वो सजा मेरे बाद। इंसान की शायद यही ख्वाहिश होती है कि जो उसे चाहे वो इतना ही अच्छा सोचता हो आपके बारे में कि जाने के बाद की भी फिक्र है। सो ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मोहम्मद अली साहब, बहुत मजा आ रहा है। बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ अब अगला जो गीत है वो है अंबर फिल्म का, जो कि 1978 में रिलीज हुई थी, तस्लीम फाजली की पोएट्री और रॉबिन घोष की कॉम्पोजिशन। तो गीत आपकी खिदमत में हाजिर है, जिस दिन से देखा है तुमको सलाम। जिस दिन से देखा है तुमको सनम, बेचैन रहते हैं उस दिन से हम, लगता है ऐसा खुदा की कसम, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो। सावन है बरसात होती नहीं, खुल के कोई बात होती नहीं, कैसे बताएं ये तुमको सनम, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो।
शायर जो होता तो तेरे लिए कहता गजल में कोई प्यार की, होता मुसव्विर तो अपने लिए मूरत बनाता रुख यार की, तस्वीर तेरी बनाता मैं सारे जहां को दिखाता मैं, पर क्या करूं कि मुसव्विर नहीं है बदनसीबी के शायर नहीं, कैसे बताएं ये तुमको सनम तुम मेरे हो रातों को करवट बदलते हैं हम, शम्मा की मानिंद जलते हैं हम, तुम ही बताओ कि हम क्या करें, चारों तरफ देखते हैं तुम्हें, इसमें खता क्या हमारी है, हर शय में सूरत तुम्हारी है, कलियों में तुम हो बहारों में तुम, इस दिल में तुम हो नजारों में तुम, कैसे बताएं ये तुमको सनम तुम मेरे दिन से देखा है तुमको सनम, बेचैन रहते हैं उस दिल से हम, लगता है ऐसा खुदा के कसम तुम मेरे हो, सावन है बरसात होती नहीं, के कोई बात होती नहीं, कैसे बताएं ये तुमको सनम तुम मेरे हो तुम मेरे हो तुम मेरे हो तुम अगले ट्रैक की तरफ चलते हैं जो कि मीर तकी मीर की शायरी है और इसकी कॉम्पोजिशन जो है वो मेहदी हसन साहब खुद उनकी अपनी कॉम्पोजिशन है, तो सुनते हैं मोहम्मद अली साहब की खूबसूरत आवाज में ये धुआं सा कहां से उठता है देख के दिल के जहां से उठता है, वाह 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 वाह, बहुत ही खूबसूरत गजल है। देख तो दिल के जहां से उठता है, देख तो दिल के जहां से उठता है, ये धुआं सा कहां उठता है, देख तो दिल के जहां से उठता है, ये धुआं सा
तार है देख तो दिल बैठने कौन दे है फिर उसको बैठने कौन दे है फिर उसको जो तेरे आसपास उठता है जो तेरे आसपास उठता है ये धुआं सा कहां से उठता है जैसे कोई जहां से उठता है ये धुआं सा कहां से उठता पत्थर है भारी पत्थर है भारी पत्थर है इश्क एक मीर भारी पत्थर है कब ये तुझ ना तबा से उठता है कब ये तुझे ना तबा से उठता है ये धुआं सा कहां से उठता है उठता है ये धुआं सा कहां से उठता है बहुत ही खूबसूरत मुझे तो मेरा दिल चाह रहा है बस ये शाम ख़त्म ही ना हो ये महफिल ऐसे ही बस चलती रहे सारी रात अगेन मेहदी हसन साहब की अपनी कॉम्पोजिशन कादिर गज़नवी की पोएट्री और ये बड़ा ही कोई मीनिंगफुल ट्रैक है मैं कहूँगी जिसमें सबके लिए एक सबक है और सब ने ही एक्सपीरियंस किया होगा
गौर जरा सी बात पे बरसों के याराने गए। पहचाने गए वो जरा सी बात पर बरसों के याराने गए वो जरा सी बात पर शोहरत कहूँ या अपनी रुसवाई कहूँ, मैं इसे शोहरत कहूँ, मैं इसे शोहरत कहूँ या अपनी रुसवाए कहूँ। मुझसे पहले उस गली में, मुझसे पहले उस गली में मेरे अफसाने गए वो जरा बात पर बरसों के याराने गए गुजरा सी बात पर। नज़दीकतर यूं तो वो मेरी रह जा से बिथे नज़दीकतर यूं तो वो जासे बिथे नजदीक तर आंसुओं की धुंध में हो आंसुओं की धुंध में लेकिन न पहचाने गए बात पर बरसों के याराने गए लेकिन इतना तो हुआ कुछ लोग पहचाने गए वो जरा सी बात पर
मोहम्मद अली साहब, आपने और तमाम म्यूजिशियंस ने आज जो हमारी शाम को इतना खूबसूरत बनाया है, आई होप हमारी ऑडियंसेस को भी ये ट्रिब्यूट टू मेहदी हसन पसंद आया होगा। इस प्रोग्राम का आखिरी ट्रैक पेश कर रहे हैं जाग उठा इंसान, 1966 की एक पाकिस्तानी बड़ी मशहूर फिल्म, दुखी प्रेम नगरी की शायरी, लाल मोहम्मद इकबाल की कॉम्पोजिशन, दुनिया किसी के प्यार में। इट्स वन ऑफ माय फेवरेट्स। यस, एब्सोल्युटली। तो ये एक कैफियत है मैं कहूंगी, क्योंकि जब भी प्यार होता है तो सब कुछ हसीन लगने लग जाता है। तो सुनते हैं। वैसे मुझे तो आज यकीन जानिए ये हवेली भी जन्नत से कम नहीं, नहीं।, नहीं आ रही। आज आपने मियां साहब ये जन्नत जैसा माहौल, हमें खैर जन्नत देखी किसी ने नहीं। देखें मोहम्मद अली, हर कोई जो है ना अपनी किस्मत का सीधी बात है लेके आता है। तो सुनते हैं मोहम्मद अली साहब। और मैं और महविश अब आपसे इजाजत लेंगे। महजूज होइए खान साहब की इस बहुत ही खूबसूरत जो इनकी ये गजल है। किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं, दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं। एक दिल रुबा है दिल में जो हूरों से कम नहीं, दुनिया किसी के प्यार में। मोहब्बत की शान हो, जाने वफा हो और मोहब्बत की शान हो, जलवे तुम्हारे हुस्न के तारों से कम नहीं, दुनिया किसी के प्यार में। हंस पड़े
पलकें उठा के देखो तो कलियां भी हंस पड़े, खुशबू तुम्हारी जुल्फ की फूलों से कम नहीं, दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं, दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं। एक दिल रुबा है दिल में जो हूरों से कम नहीं, दुनिया किसी के प्यार में दुनिया किसी के प्यार में। मोहब्बत करने वाले कम न होंगे,